सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माइंड कप। और आपका भाई फिर से लेके आ गया एक नया वीडियो। हियर वी गो गाइस। आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ माइंड कप 1.20। यस गाइस, माइंड कप 1.20। अगर 1.20 आप लोगों को चाहिए तो गाइस आप लोगों को वीडियो को कॉन्स्टेंट पूरा देखना है, ठीक है, बिना स्किप करे। तो गाइस मेरा जो चैलेंज था, सेकेंड चैलेंज यानी कि जो मेरा ऑफिशियल चैलेंज था AGGamer07, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तगड़ा वाला बहुत ही कोशिश किया लेकिन वापस लेके नहीं आ पाया, ठीक है। इस चैलेंज मेरा न्यू चैलेंज है AGGamer07, मतलब AGGamer07 है जो है मेरा न्यू चैलेंज है, ठीक है। प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट कर दो, सपोर्ट की सख्त से ज़रूरत है। उस चैलेंज पे मैंने 3 साल मेहनत करने के बाद मैंने 8000 से ऊपर सब्सक्राइबर गेन किया था, यानी कि 9K होने वाला था। इस चैलेंज को सपोर्ट दिखा देना। एंड अभी चलते हैं आप लोगों को लेके 1.20 की तरफ। जो गाइस 1.20 हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, क्या आने वाला है, क्या पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है माइनक्राफ्ट का 1.20 आने के बाद। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन गाइस 1.20 जो है अभी तक गाइस रिलीज़ नहीं हुआ है, ऑफिशियल वर्सन रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। बेटा वर्सन आप लोगों को मिल जाएगा, बेटा के अंदर आ गया है 1.20, लेकिन ऑफिशियल के अंदर अभी तक नहीं आया है। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में मत ढूंढो, ठीक है। मैं रिकमेंड करने वाला हूँ यूट्यूब में मत ढूंढो, क्योंकि जितना भी 1.20 ऑफिशियल वर्सन आप लोगों को मिलने वाला है सब कुछ फेक है। तो टेंशन की मत लो गाइज, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब आ जाएगा आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, बताने की, ठीक है। तो बेल बटन को भी साथ प्रेस कर देना। एंड गाइज दिल से गाइज बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो हक से। भाई बहुत ही मेहनत करके उस चैनल को उठाया था, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज और गाइज एक कमेंट भी कर देना, एंड हो सकता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है गाइज, और बेल बटन को भी प्रेस कर देना। गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों का अभी सपोर्ट मेरे को। तो गाइज दिखा दो, अभी टाइम है, दिखा दो। तो गाइज चलो आज का वीडियो इतना ही था, कैसा था कमेंट करके ज़रूर बता देना।